बिहार और पटना में भी सारी दुकानें बंद है, सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में और जनहित में इमरजेंसी दवाओं के लिए कुछ सेवाएं हम लोग प्रदान करने के लिए कुछ दुकानों को हम लोग खोलने का इजाजत दी है। हमारी दो प्रमुख मांगे हैं, एक जो 28 अगस्त को भारत सरकार ने ई फार्मेसी का जो मसौदा तैयार करके पेश किया है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां पर अभी कई ऐसे माइक्रो इंटीरियर और इंटीरियर गांव सुदूर गांवों में जहां पर डॉक्टर भी जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वहां पर केमिस्ट हमारा केमिस्ट ही जाकर के वहां पर प्राथमिक उपचार वगैरह करते रहते हैं, वहां पर इस तरह से ई फार्मेसी ला करके हमारे पारंपरिक जो दवाओं की दुकान है उनको बंद कराने की जो साजिश चल रही है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं।